तो ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ। मॉर्निंग और दोस्तों, अभी कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए सुबह के 9 बज गए हैं और अभी मेरे घर में सब आर्यन और अंश, देखो सभी लोग सोए। देखिए उधर पे अंश सोया है, इधर पे अंश को तो नहीं दिख रहा है, देखो कैसे सोया है नंगा पुंगा। ओके और दोस्तों मैं देखो क्या बना रही हूँ, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मिक्सर में है ये तल रही, ये है दोस्तों चने का दाल, मैंने जैसे कि कल भिगो के रख दिया था और आज बनाने जा रही हूँ। ये थोड़ा ना ज़्यादा हो गया तो इसके लिए मिक्सर में ले नहीं रहा था पीसने के लिए, तो अभी इसको भी डब्बे में जो भी था सब मैंने रख दिया और इतना यहाँ पर पीस के रखे हूँ। तो चलती हूँ अब इसको मैं पीस लेती हूँ, देखते हैं ये पीस के हो गया। हाँ दोस्तों बहुत ही बारीक हो गया है पीस के। तो दोस्तों देखिए ये वाला जो अभी का पीस है ये थोड़ा हरा दिख रहा है और जो इसके अंदर वाला है वो एकदम पीला पीला दिख रहा है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा धनिया पीसा है और धनिया फूल गई स्टार्टिंग में, नहीं पीस पाई। तो ये धनिया रखी हूँ, चलते थोड़ा इसको साफ करके धुल लेती हूँ, ऐसे ही कट करके ऊपर से ही डाल दूंगी। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा और देखो हम क्या बना। धनिया था वो मैंने धनिया इसमें कट करके डाल लिया है, तो अभी देखो थोड़ा सा इसको हाथ से ऐसा मिक्स कर देती हूँ। हो गया है, मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। यही बस थोड़ा गलती हो गया, मुझे धनिया इसमें पीस देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, धनिया कट करके डाले तो भी कुछ नहीं चलता है। तो ये हमारे चने की दाल थी, इसको हमने भिगो दिया, इसमें लहसुन और मिर्ची हल्दी नमक सब कुछ इसमें हमने मिक्स किया था फ्राई करते टाइम। तो अभी देखिए कितना भर्रा हुआ है, कितना सही हुआ है, गीला नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था कहीं गीला ना हो जाए तो बेकार हो जाएगा, लेकिन गीला नहीं हुआ दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से पिसा गया है। तो अभी चलते हैं आगे का काम करते हैं। ये देखिए ये मैंने ले लिया है चावल का आटा है, अब इसको जा रही हूँ सानने के लिए। चावल का आटा है, इससे आप लोग दोस्तों जो लोग खाए रहेंगे वो लोग पता लगा ही लिए रहेंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, देखिए क्या करती हूँ। ये देखिए मेरा जो चावल का आटा था वो गूंथ के हो गया है अच्छी तरीके से, और अब हम चलते हैं बनाने के लिए। तो बहुत सही है, अच्छा सा सना गया है, ब्रश भी हो गया। और ये देखिए आटा रखे हूँ इधर गूंथ के और इधर ये है, तो अब चलती हूँ बनाने के लिए, देखती हूँ कैसे मुझसे बनता है कि नहीं बनता, अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अभी बना रही हूँ, देखती हूँ सही से बन जाए, भगवान तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मैं दोस्तों कल ही बनाने वाली थी, लेकिन हमारे इधर ना कल लाइट नहीं थी, चली गई थी। ये ना मेरे से फटता है इसलिए तो मेरे को होता ही नहीं बनाने का। अभी डाल इसका दोस्तों मुंह खुला कर दूं कि बंद कर दूं, ये तो गिर रहा है, भर रहा है ना, मेरे को लग रहा है ना ऐसे करके इसको ना ऐसे खाली दबा देती हूँ। हाँ देखा, ऐसे रहने दो ना, ऐसे रहने देती, ऐसे रखती हूँ शायद से उसमें भाप से हो जाएगा। तो दोस्तों बस अभी वीडियो बंद करती हूँ, फटाफट सब बना लेती हूँ, तब फिर आप लोगों को दिखाती हूँ ना कैसे बना है। और अभी गैस ऑन कर देती हूँ, गैस जो है मेरा ऑन हो गया है, पतीला रखें और ये रख देते हैं हम इसमें, बैठ गया बराबर ये। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं ये तेल लगा दे रही हूँ, क्या पता वो पकड़ लेगा, चिपक जाएगा तो नहीं छूटेगा, तो इसके लिए यहाँ पे देखो तेल लगा दे रही हूँ। हो गया, तेल लग गया है, बस देखिए मैंने इतना सारा मेरा बन गया है, कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गया है। और अभी उतना सा आटा और बाकी है और ये तो बहुत ज्यादा बच रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वापस आटा सानना पड़ेगा, नहीं तो फिर चावल गेहूं का ही आटा सान के फिर उसमें बनाऊंगी, लेकिन ये नहीं बनाऊंगी, फिर पूड़ी बना लूंगी। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इसके ऊपर सब रख दिया क्योंकि भाप निकल रहा है, और इसको अब ढक देती हूँ। मेरा अंशु जो है कि सो के उठ गया है, तो बहुत, अरे माई रे बहुत रो रहा है।
हाय देखो इसको ढक दी अच्छे से और चलती हूँ अभी। हो गया है और उसमें आग डाली थी, इधर बचा इतना, सब खत्म हो गए, मसाला जो इतना से खाली बचा रह गया है। तो अभी देखते हैं कि ये पका है कि क्या हुआ है। इसको मैं उतारती हूँ आराम से बच्चे। तो दोस्तों 15 मिनट तक मैंने इसे पकाया है और अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि सब हो गया है। हो तो गया है, तो अभी क्या करूँ, थोड़ा सा भी गैस बंद करती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, फिर जो वो 5 बचा है फिर वो डालती हूँ। हाँ हो गया, क्योंकि चिपक नहीं रहा है अभी। ये देखिए जैसे कि मेरा ये बन गया था सारा और ये थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने गेहूँ का आटा साना और ये देखिए सादा वाला पूड़ी बना रही हूँ और इसमें थोड़ा सा भर के बनाई हूँ, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि फूट गया। तो थोड़ा सा आखिर में बचा था, ये ऐसे नुस्खे को फूट गया उसके अंदर ही, मेरे को ना भरने को नहीं आता। इसको पलटी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा छेद दिख रहा है ना आप लोगों को, और ये अंशु और आर्यन है तो ये लोग ऐसे कच्चा ही खाने लगे। ये लोग अभी इसको तली नहीं हूँ, अभी इसको तेल में फ्राई करना है। देखिए आज मेरे घर में क्या क्या बन रहा है, इधर देखिए पूड़ी बन रहा है और इसमें मैंने वो जो बेसन का था बचा था ना थोड़ा, तो इसमें भरी हूँ इसको, लेकिन छानूंगी नहीं इसको ना, मैं तवे पे बनाने वाली हूँ। और ये मैं सिर्फ 2 तल रही हूँ सिर्फ अपने खाने के लिए, और इधर देखो इतना बचा है तो ये रख दूंगी। बेटा नहीं बेटा आप बहुत तो दोस्तों प्लीज अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे या अच्छी नहीं लगे फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना नया आए। और आप लोगों को कौन सा रेसिपी अच्छा लगा आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ में, तो बाय बाय दोस्तों, बाय 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 कर दो सबको, बाय बाय दोस्तों।